नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, पांच सेक्शन डिस्कस करेंगे, 11, 12, 13, 14 एंड 15 पांच सेक्शन डिस्कस करेंगे पूरा जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो। तो शुरू करते हैं सेक्शन 11 के साथ कि कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या बोलता है। सब सेक्शन 1 बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद क्या कर सकती है, कितने भी कोर्ट बना सकती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के, कितने भी कोर्ट बना सकती है डिस्ट्रिक्ट में कितने भी कोर्ट बना सकती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के। लेकिन वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन एरिया हो गया तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया में। ठीक है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया ना हो, हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद कितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट्स बना सकती है, प्रोवाइडेड दैट कि जो स्टेट गवर्नमेंट है हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद वो किसी भी लोकल एरिया में एक स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट बना सकती है। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अब नाम से क्लियर है कि वो जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा वो किसी स्पेशल केसेस के लिए आया होगा, अब वो जो भी वो समझे स्टेट गवर्नमेंट वो, लेकिन स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना सकती है। और जजेस कौन अपॉइंट होंगे, या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, उस जुडिशियल वो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहलाएंगे उस कोर्ट के। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि कोई भी जो दूसरे जो कोर्ट्स हैं, जो भी दूसरे कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट जो भी हैं वो उस कोर्ट में दखल नहीं दे सकते। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी स्पेशल काम के लिए बनाई है, इस स्टेट गवर्नमेंट ने बनवाई है ना, तो आप अपने हिसाब से अपना काम करो, कोई रोक टोक कोई नहीं करेगा आपको। सबसेक्शन 2 बात करता है कि ये जो भी कोर्ट्स बनाए हैं तो इनका जो ऑफिसर होगा, एक तरह जो जज है एक बोल सकते हैं हम लोग, तो इसको अपॉइंट कौन करेगा, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी। सबसेक्शन 3 क्या बात करता है, सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि यार कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, या तो फर्स्ट क्लास का हो या सेकंड क्लास, JMFC जो भी हो, उसकी पावर्स, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर वो किसी भी सिविल कोर्ट वाले जो भी जज है, सिविल कोर्ट का जो कोई भी जज है उसको दे सकती है किसी भी काम के लिए। जो पावर्स हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, भले ही फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो भी हो, उसकी पावर्स किसी भी सिविल कोर्ट के जज को दे सकती है। सबसेक्शन 2 क्या बात करता है कि यार ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, मतलब कि जो मेन जो लीड करेंगे, जो जज होंगे, वो कौन अपॉइंट करेगा, इन जो कोर्ट्स के, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट्स के जो ऑफिसर्स होंगे, जो जज होंगे, वो कौन अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी। कौन करेगा, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी। सबसेक्शन 3 क्या बात करता है, सबसेक्शन 3 बोलता है कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो पावर्स हैं, फर्स्ट क्लास का हो या सेकंड क्लास का हो फर्क नहीं पड़ता, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, किसी की भी पावर्स वो सिविल जज को, सिविल कोर्ट के जज को दे सकती हैं। जो भी सिविल कोर्ट का जज होगा उसको वो पावर्स दे सकती है, कौन, हाई कोर्ट दे सकती है। बात करते हैं सेक्शन 12 की, जो कि बात करता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक, तो बात करते हैं, तो क्या बात करता है, सब सेक्शन 1 क्या बात करता है कि हाई कोर्ट किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो फर्स्ट क्लास का, उसको वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना सकती है हाई कोर्ट। अब सब सेक्शन 2 क्या बात करता है कि किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आदमी को हाई कोर्ट एक एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना, मतलब कि हाई कोर्ट ही किसी भी JMFC वाले जज को CJM भी बना सकती है और एडिशनल CJM भी बना सकती है। ठीक है, अब सबसेक्शन 3 पे आते हैं, ए और बी उसके दो हैं। अब ए वाला क्या बात करता है कि अब सब डिवीज़न में भी हाई कोर्ट किसी सब डिवीज़न में भी एक सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट बना सकती है JMFC वाले जज को, एक सब डिवीज़न में भी एक सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट बना सकती है, सब डिवीज़न में बना सकती है तो JMFC वाले को, तो वो कौन होगा, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट होगा। अब बी वाला क्या बात करता है कि अब जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होगा वो किसके अंडर होगा, CJM के। ठीक है, और जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होगा वो किसकी निगरानी कर सकता है, मतलब कि किसको देख सकता है, किसके कंट्रोल किसको कर सकता है, जो भी उस सब डिवीज़न में जितने मजिस्ट्रेट होंगे, कि यार एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, आपको किसी सब डिवीज़न का मजिस्ट्रेट बनाया है, तो उस सब डिवीज़न में जितने भी मजिस्ट्रेट होंगे उनको वो कंट्रोल कर सकता है, उसके ऊपर पावर चला सकता है वो। सेक्शन 13 स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये क्या बात करता है, ये बोलता है कि कोई भी आदमी जो कि एक गवर्नमेंट की पोस्ट पर बैठा हो, कोई भी आदमी उसको
JMFC या JMSC मतलब कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट या तो फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास कोई सी भी जो जज हो उसकी पावर्स उसको दे सकता है, उसकी पावर्स उस आदमी को दे सकता है और उसको बनाएंगे क्या स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाएंगे किसी पर्टिकुलर केस के लिए, किसी कोई भी पर्टिकुलर केस हो तो उस आदमी को जो कि गवर्नमेंट की पोस्ट पर बैठा है उसको JMFC या JMSC की पावर्स उसको दे सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर, तो उस लेकिन प्रोवाइडेड दैट सब प्रोवाइडेड क्या कि यार जो क्वालिफिकेशन है वो पजेस करना चाहिए, मतलब कि उसके पास वो होना चाहिए क्वालिफिकेशन कि यार वो किसी लीगल बैकग्राउंड से हो या जो भी लीगल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसकी वो होनी चाहिए जो कि हाई कोर्ट बताए कि यार इतनी तो होनी चाहिए, मतलब कि वो क्वालिफिकेशन भी हाई कोर्ट बताए कि यार इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो आदमी को आप JMFC कोई सी भी पावर्स उसको दे सकते हो किसी पर्टिकुलर केस के लिए। सब सेक्शन 2 क्या बात करता है कि ये ऐसा जो जज है जो कि हमने भी सब सेक्शन 1 में बात करी कि यार एक जज को ऐसा ऐसा बना सकते हैं, तो उस जज को क्या बोला जाएगा कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको बोला जाएगा। तो थोड़ा खींच दिया है, बस बात खींच दी, बात तो वही है, सीधी सी बात है, उस जज को क्या बोलेंगे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। और जो कि जो अपॉइंटमेंट है वो एक साल से ज़्यादा का नहीं होना, मतलब कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना तो दिया लेकिन एक साल से ज़्यादा का नहीं बनना चाहिए, वो सीधी सी बात, उसका जो टेन्योर है वो एक साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अब सब सेक्शन 3 क्या बात करता है, सब सेक्शन 3 ये बात करता है कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ठीक है। अब मान लो उसके पास मेट्रोपॉलिटन एरिया भी आ रहा है, जरा सा मेट्रोपॉलिटन एरिया भी है उसके पास, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पावर्स भी वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। मतलब कि मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट है उसकी जो पावर्स हैं वो भी वो यूज़ कर सकता है अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसके पास, तो उसकी ज्यूरिस्डिक्शन के बाहर। बात करते हैं सेक्शन 14 की जो कि बताता है लोकल ज्यूरिस्डिक्शन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो सबसे पहला क्या बोलता है कि जो CJM है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो उन मजिस्ट्रेट्स जो कि सेक्शन 11 और सेक्शन 13 में अपॉइंट किए गए हैं, कौन कौन से, जो कि JMFC JMSC हमने अभी देखा 11 में और 13 में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उनकी लोकल लिमिट्स वो चाहे तो डिफाइन कर सकता है कि यार आपका आपकी ये लिमिट है, आप इतने इतने एरिया में आप अपनी आप अपना काम कर सकते हो, ये ज्यूरिसडिक्शन है आपका, तो ऐसा CJM बता सकता है। लेकिन प्रोवाइडेड दैट क्या बोलता है, जो कि बाद में आया था 1973 के बाद आया था, प्रोवाइडेड दैट क्या बोलता है कि यार स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता क्या है कि यार कोई स्पेशल केस पर्टिकुलर केस के लिए उसको अपॉइंट किया गया है, तो जो भी जिस चीज़ के लिए भी उसको अपॉइंट किया गया है, जो भी एरिया उसको दिया गया है वो एरिया तो वो लेगा ही, अब भले ही CJM बोले नहीं बोले लेकिन वो एरिया तो वो कवर करेगा ही करेगा, तो ये प्रोवाइडेड बात करता है। सब सेक्शन 3 क्या बात करता है कि यार कोई भी मजिस्ट्रेट है उस जो भी सेक्शन 11 13 और 18 में आए हैं, 18 में कौन आए हैं वो देख लेंगे, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वो आए हैं, जो भी इन सेक्शंस के अंडर जो मजिस्ट्रेट हैं, मान लो उनकी क्या ज्यूरिसडिक्शन हमने बढ़ा दिया, ठीक है, थोड़ा ज्यूरिसडिक्शन बढ़ा दिया, मान लो थोड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी आ रहा है या डिस्ट्रिक्ट के बाहर कर दिया, जो भी मतलब कुल मिला के बढ़ा दिया उनको, तो उनके लिए उन मजिस्ट्रेट्स के लिए जो कोर्ट ऑफ सेशन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ये जो होंगे, तो ये क्या होंगे, तो क्योंकि अब तो उनका ज्यूरिसडिक्शन बढ़ गया ना, तो अब क्या होंगे, तो बिल्कुल वही सेम होंगे जो पहले थे ना, वही होंगे, कोई इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। अगर उनकी लिमिट बढ़ती भी है, ज्यूरिसडिक्शन उनका बढ़ता भी है, तो जो पहले थे वो वही रहेंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सेक्शन 15 सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये कौन जुडिशियल में कौन सा जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसके अंडर आएगा, तो CJM जो है जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो सेशन जज के अंडर आएगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेशन जज के अंडर आएगा और बाकी के जितने भी मजिस्ट्रेट्स हैं वो CJM के अंडर आएंगे, जो कंट्रोल सेशन जज के हाथ में रहेगा, वो सीधी सी बात है जो, ठीक है। तो जो आगे सब सेक्शन 1 किया, जो CJM है वो सेशन जज के अंडर आएगा और जो बाकी के मजिस्ट्रेट हैं वो CJM के अंडर आएंगे। सब सेक्शन 2 ये बात करता है कि जो बाकी के मजिस्ट्रेट हैं उनको काम बांटने का काम कौन करेगा, उनको काम बांटने का काम करेगा CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो ये था हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट 11 12 13 14 15 पूरा, फिर आगे डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।